बच्चों, जैसा कि आपने पिछली एक्टिविटी में छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पहचाना था और उनको सर्कल किया था, लेकिन अब कुछ शब्द मैंने लिखे हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं और आपको कंप्लीट करने हैं छोटी की मात्रा लगाकर। अब कहाँ मात्रा लगेगी, देखो जहाँ डैश लगा हुआ है, जहाँ ब्लैंक स्पेस है, वहाँ आपको मात्रा लगाकर और शब्द पूरा करके रीड करना है। जैसे सबसे पहले लिखा है पन, पन तो कोई शब्द नहीं होता। अब जहाँ डैश लगा है वहाँ पर अगर हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो वो सबसे पहले पा के साथ आएगी, तो ये बन जाएगा पिन। क्या बन जाएगा? पिन। ऐसे ही दूसरा शब्द देखो क, फिर मात्रा के लिए जगह छोड़ी है तो हम ये मात्रा कैसे लगाएंगे? ऐसे। तो ये किसके साथ लग गई? व के साथ। और उसके बाद लिखा त आ, क्या बन गया ये? कविता। ऐसे आप मात्रा लगाना सीख जाओगे। सबसे पहला शब्द बना पिन, दूसरा शब्द बना कविता। अब थर्ड वर्ड है और अ के साथ ई की मात्रा है? नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है। क्या लिखा है? न, और फिर ल, अ न ल। अब हम मात्रा कहाँ लगाएं? न से पहले, क्योंकि यहाँ ब्लैंक स्पेस है। तो ये क्या बन गया? अनिल, अनिल। अनिल किसी का नेम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से न ध। अब ये तो कोई शब्द ना बना, अब इसको हम पूरा शब्द बनाने के लिए क्या करेंगे? ब्लैंक स्पेस पे मात्रा लगाएंगे। नी, नी भी पूरा शब्द नहीं है। ध, निधि। अब ये क्या बन गया? निधि। निधि भी किसी का नेम हो सकता है, तो ये क्या बन गया? निधि। अब एक शब्द और लिखा है मैंने, देखो यहाँ ब्लैंक स्पेस है, हसाब। हसाब तो कोई शब्द ही नहीं होता। अब हम इसको पूरा शब्द बनाने के लिए ह के आगे ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हिसाब। क्या बन जाएगा? हिसाब। अब एक बार फिर से इनको रीड करते हैं और ई की मात्रा का प्रयोग आपको अब तक तो आ ही गया होगा। देखो पिन, पिन। कविता, कविता। अनिल, अनिल। निधि, निधि। हिसाब, हिसाब। अब आपको इन शब्दों को देखते हुए ऐसी ही टू एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो आपको होमवर्क मिलेगा और आप मुझे 5-5 वर्ड्स लिख के दिखा देंगे। ओके बेटा, आई होप यू हैव लर्न स्मॉल ई मात्रा, ठीक है। ओके।